ये देखिए मम्मी अभी बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुजिया। हाँ गुजिया। और पहले ही तो तीन दो बज बन चुके हैं, ये तीसरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितने वक्त से बना रहे हो, कब से बना रहे हो? अभी तो शुरू की, अभी तीन गुजिया बना है और भी बहुत सारा ये बनने वाला है। मम्मी का हालत खराब हो जाए इतना बना के। कितना बच्चा है, ये बहुत टाइम लगने वाला है। अब रात 8 बजे लग जाए ना, 8 या 9। आठ या नौ लग जाएगा अभी। और ये किसके लिए बना है? पहले तो भगवान जी के लिए, क्योंकि आज है धनतेरस, तो मेरे जितना भी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स है ना, सबको हैप्पी धनतेरस। और ये वाला मुझे बनाने के लिए बहुत मुश्किल लगता है, पता नहीं कैसे बना रही। स्टोरी बता दूँ क्या हुआ था, क्या लेके आए थे, क्या हो गया, क्या चीज? अरे वो लेके आए थे ना जो मोल्ड इसके लिए। हाँ मोल्ड आपके क्या? उसका हम गुजिया के मोल बोले थे लाने के लिए और वो ले आया भुजिया। भुजिया के मैंने ये बात थोड़ा गलती से हो गया। गलती से कैसे हो जाएगा है? और वो भी बस। इसके कितने बन जाएंगे पता नहीं, कितने बनेंगे लेकिन बहुत सारे बन जाएंगे लगता है। 20-30? नहीं उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता फैमिली। हैप्पी धनतेरस टू ऑल माय फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स। तो धनतेरस के मौके पर ऐसे कैसे जाने देंगे, हम बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। इसीलिए हम बना रहे हैं गुजिया। गुजिया का रेसिपी तो नहीं दे पाई, क्योंकि सुबह ही उसका जो स्टफिंग बना के रख दी थी, नारियल सूजी और चीनी का, मेरा एक फ्रेंड था उसका रेसिपी है ये। मैं सारा चीज़ फ्रेंड से ही सीखती हूँ और थोड़े थोड़े यूट्यूब पे से। अभी एक तेल ना मैं गरम कर ली हूँ और लो फ्लेम पे गुजिया को तलूंगी। चलिए तलते हैं जल्दी जल्दी, फिर टेस्टिंग भी करेंगे ना। तो यहाँ पे हम लो फ्लेम पे पका रहे हैं गुजिया को, एकदम करारा क्रिस्पी वाला बनाएंगे। और कल ना मैं भुजिया बनाई थी बेसन का, झूरी भुजिया रहता ना वो बनाई थी, ठीक है। कितना बनाई थी पता है आपको? एक डब्बा भर के आपको मैं दिखाती हूँ। ये मोटा दाना का डब्बा, एक डब्बा है छोटा वाला और डब्बा ही का है। इतना बड़ा डब्बा में हम एक डब्बा बनाए थे, एक दिन में ही बच्चे ख़त्म कर दिए, तो इसीलिए मैं नहीं बनाऊंगी और, क्योंकि बड़ा कमर दर्द होता है खड़े खड़े बनाने में। और इतना जल्दी इमाम ये तो खुल गया, सीबीएस ये खुल गया। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फ्रेंड, कैसे हो सब? मैं मतलब भगवान को कामना करती हूँ, मेरे जितना भी सब्सक्राइबर हैं व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियो जो रेगुलरली देखते हैं, वो सबको हैप्पी दिवाली और आपके जीवन में बहुत सारे खुशियाँ लेके आए ये वाला दिवाली। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये ब्लॉग 3 दिन से मैं बस थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, ब्लॉग को एंडिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। आज है बड़ी दिवाली, कल छठी दिवाली था, आज बड़ी दिवाली है। तो चलिए ब्लॉग आज एंडिंग भी करेंगे और दिवाली का ब्लॉग आई थिंक 2 पार्ट में आएगा, ऐसे मैं सोच रही हूँ, फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो अभी ना हम लोग का सडनली प्लान हुआ कि बाहर जाने का, और लंच इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाऊंगी, पनीर और फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी दोपहर का 12 बज चुका है, ठीक है। और मैं ना जस्ट नहा के पूजा पाठ सब कंप्लीट किया, उसके बाद ना मैं थोड़ा सा घर का काम है वो सारा कंप्लीट किया, और फिर अभी खाना बनाऊंगी और हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। और बाल धोई थी ना, और ड्राइंग भी टाइम नहीं मिला मुझे ड्राइंग करने का,
तो कभी बीच में मैं ड्राइंग भी हेयर ड्राइंग भी कर लूँगी। तो चलिए वीडियो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिए और जो भी वीडियो देख रहा है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए किचन में बहुत जल्दी जल्दी आज बनाने वाली हूँ खाना। चावल को मैं ऑलरेडी भिगा के रखी थी। चावल को मैं पहले चावल बना दूंगी, फिर उसके मैं तड़का लगाऊंगी। जो भी सब्जी है घर में मुझे फ्रिज खोल के देखना पड़ेगा क्या क्या है। गाजर आई थिंक है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्याज गाजर डाल दूंगी और बीन्स भी होगा तो डाल दूंगी। और कुछ ज़्यादा सब्जी नहीं है और पीछे मोबाइल देख रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे काजू भिगा के रखी हूँ ताकि मैं काजू और टमाटर का एक साथ पेस्ट बना के ना मतलब एक क्विक सब्जी बनाऊँगी। बहुत अच्छा भी होता है, डिलीशियस लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी बर्तन वर्तन भी साफ़ कर लूँगी। बहुत सारे काम एक साथ कर रही हूँ, उधर सब्जी भी बिठाई हूँ, इधर बर्तन भी साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत सारे बर्तन सुबह के रह गए थे ना वही ब्रेकफास्ट के, उसी के बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। और साथ में मसाला वो जो टमाटर और काजू को भिगा के रखी थी ना उसका मसाला करके मैं अदरक लहसुन यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया था। प्याज को पहले फ्राई कर ली थी, फिर अदरक लहसुन को भी फ्राई कर ली, फिर टमाटर काजू का पेस्ट उसको भी अच्छे से फ्राई करके पनीर और साथ में मलाई वाला दूध वो डाल दी। ये हमारा पनीर की सब्जी तैयार हो गया है। एंड में मैं थोड़ा सा बस डाल दूँगी धनिया का पत्ती। तो फाइनली मैं अपना जो खाना है बना ली। फ्राइड राइस हस्बैंड बना रहे हैं, मैं सब्जी बना दी। अभी मैं रेडी होंगी। बाल गीला भी है ना तो बाल थोड़ा सा ड्राई करना पड़ेगा। और ये देखिए कल ना पटाखा लेके आए थे ना तो कुछ पटाखे ना जैसे कि फट नहीं रहे थे अच्छे से, तो इसीलिए धूप में थोड़ा सा रख दिए हैं। क्या हुआ? इधर हमारा बन रहा है फ्राइड राइस और सब्जी जो है वो फ्राई हो गया था, लेकिन चावल ना कढ़ाई में बनाई थी ना इसलिए वो डाल नहीं पा रहे थे, तो हम आके थोड़ा सा हेल्प कर दिए। और पनीर का सब्जी भी मैं साथ ही साथ ना पैकिंग कर लूँगी। और फ्राइड राइस में ना मैं एंड में थोड़ा सा धनिया का पत्ती भी डाल दूँगी, तो ऐसे ही बच गया था थोड़ा सा तो मैं सोची कि डाल देती हूँ, वो टेस्टी लगता है ना। और यहाँ पे पनीर को भी मैं पैक कर लूँगी और चावल को ना मैं थोड़ी देर बाद पैकिंग करूँगी। और ये देखिए हमारा जो पिकनिक, एक छोटा सा पिकनिक ही समझिए, वो उसके लिए रेडी। पैकिंग तो हो गया जैसे कि आपने देख लिया है, और यहाँ पर फ्राइड राइस भी हो गया है, बस उसको पैकिंग करेंगे, बस और कुछ नहीं। जल्दी जल्दी में ये दो शॉर्टकट का रेसिपी है वो हो गया हमारा। अभी थोड़ा सा मैं बाल सुखाऊंगी और रेडी होके आपसे मिलती हूँ। हेलो बोला हम जाने के लिए फाइनली रेडी हो गए हैं। पैकिंग भी सारा हो चुका है, उसी बस बाहर लेके चला गया है बैग वैग। और मेरा कुछ इस तरह का आउटफिट, मोटी हो गई हूँ ना इसीलिए। हाँ नहीं, इस रूम में रहने देते हैं, हम पिकनिक करने जा रहे हैं। तो सारा कुछ रेडी हो गया है, अभी लॉक करेंगे और निकलेंगे। Oh, oh, oh.
दीदी का हालत खराब हो गया है, चक्कर आ रहा है, इतना हम लोग पहाड़ देखे, वो जो नदी देख रहे हैं ना, बहुत ही दूर है, बहुत नीचे है, उस वहीं पे अपना घर है और हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं, बहुत ऊंचाई पहाड़ में भगवान है, ऊपर भगवान है, कर रही है मुझसे भगवान को नमस्ते बोलती हूँ, नमस्ते बोलती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नेचर के बीच में है, ब्यूटीफुल भी, ब्यूटीफुल भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी ना ये रोड है ना एकदम खाली है, तो थोड़ा फोटो सेशन हो जाए, है ना। गाड़ी आ रहा है, आवाज आया मुझे, आ रहा है ना पीछे, देखिए थोड़ा पीछे, इतना अच्छा लग रहा है ना, उसका जो कौन सा पेड़ है मुझे नहीं पता नाम, लेकिन इतना अच्छा दिख रहा है ना वो, एमजी, मतलब पूरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, इतना वो हवा और ठंडा है, नीचे जितना नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, ऐसे तो ठंडा था, यहाँ पे ना मतलब पूरा धूप, अभी दोपहर का 2 बजा है और बहुत अच्छा धूप आ रहा है, गाड़ी आ रहा है पीछे से, गाड़ी तो थोड़ा यहाँ पे भी हम रील्स वील्स बना ले, थोड़ा सा स्लो मो वाला यहाँ से दुकान था ना, तो ये सब हमने ला लिया, माउंटेन ड्यू और दो चिप्स, ये सबसे फेवरेट वाला मेरा है, ये भी किसका फेवरेट मेरा ये, हाँ इसमें ना क्वांटिटी ज्यादा रहता है ना, ये चटका मुझे ये बूट अच्छा लगता है, मुझे भी चटका, ये बहुत चटपटा रहता है ना, अभी नहीं कभी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे लक्ष्य स्थल पर, और ये रहा सीढ़ियाँ, बहुत ऊंचाई पे है हम लोग, अभी सांस फूल रहा है, और ये लोग का तो एकदम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना, ऊपर को लोग है ना देखो, हाँ यहाँ पे कुरकुरे खाया जा रहा है, कुरकुरे हमको भी तो एकदम टेस्टी, लाजवाब है, उलटना मत पीछे का व्यू देख सकते हैं और साथ में कुरकुरे, देखिए बदमाशी कर रहे हैं बच्चे,
खाना बनाना खा लिया और बहुत अच्छा हवा चल रहा है। देखो और एक टॉप पर हम लोग आए हैं, उधर ऊपर हम लोग खा पी लिए और इधर आए हैं। यहाँ ऐसे बैठ सकते, छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, तो बाहर नहीं जा सकते, छोटे बच्चे बाहर ही नहीं जा सकते। दिवाली इस तरह हम लोग बाहर मनाए, घर में शाम तक तो घर पहुंच ही जाएंगे, फिर कितने को 5 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, फिर दिया व्या लगाएंगे मस्त। और मम्मी ने बहुत सारे पटाखे और लेके आए हैं, अरे भाई हम लोग दिखाएंगे, फिर मस्त फुटाएंगे। बहुत टाइम हो गया, बहुत अच्छा तो लग रहा है, लेकिन घर जाना पड़ेगा, थोड़ी देर में ही हम लोग निकलेंगे और बस जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा, है ना। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो तो चलो ओए फ्रेंड्स, वीडियो को ना फास्ट से लास्ट तक देखने की कोशिश करें। आई होप वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।